आज आपको हम गणेश जी की मूर्तियाँ बनती हुई दिखाने जा रहे हैं, जो कि अगले महीना गणेश जी की चतुर्थी आने वाली है। और हमारे यहाँ के जितने भी मूर्तिकार कलाकार हैं, इनकी तैयारी में लग गए हैं और गणेश के मूर्तियों में अपनी कलाकृतियों को उकेरते हुए हमारे यहाँ के मूर्तिकार, ये देखिए यहाँ पर बनाते हुए मूर्ति को, उनका फिनिशिंग का कार्य चालू हो गया है। और दूर दूर से मूर्तिकार आकर यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा बनाते हैं। ये देखिए गणेश जी की मूर्ति को, उनके बाल रूप को ये दिखाता हुआ मैं, ये देखिए कलाकार मिट्टी को से बनाता हुआ गणेश जी की प्रतिमा को। हमारे भारत में पूरे जगह गणेश जी की मूर्तियों को बैठाया जाता है। ये देखिए गणेश जी की मूर्ति को मैं दिखाता हुआ, काफ़ी विशालकाय मूर्ति है यह, लगभग 17 से 18 फीट है मूर्ति की हाइट। ये बाल रूपी गणेश को देखिए, बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। ये अगले महीना गणेश जी की प्रतिमा को बैठाई जाएगी। ये देखिए मैं गणेश जी की मूर्तियों को दिखाता हुआ, बहुत ही सुंदर तरीके से इनको सजाया और संवारा जा रहा है। अभी फिनिशिंग का कार्य चल रहा है और लगभग एक आध हफ्ते के बाद इसमें कलर का भी काम प्रारंभ हो जाएगा। अभी मूर्तियों को फिनिशिंग का कार्य किया जा रहा है। सभी जगह मूर्तियों का कार्य चल रहा है पूरे भारत देश में, और यह परंपरा हजारों साल से चली आ रही है। ये देखिए पंडाल के अंदर गणेश जी को बनाता हुआ मूर्तिकार, ये देखिए ये प्रारंभ स्थिति पर है यह मूर्ति। ये देखिए यहाँ पर यह फिनिशिंग का कार्य लगभग होने ही वाला है। कोई दिक्कत नहीं है। इस पर्व को सभी लोग बढ़ चढ़ करके मनाते हैं और सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजा गणेश जी की जाती है। काफ़ी बड़े पंडाल में इन मूर्तियों को रखा जाता है, बड़े बच्चे जवान सभी इस पर्व को बढ़ चढ़ करके मनाते हैं। ये देखिए मैं दिखाता हुआ गणेश जी की प्रतिमा को, बहुत ही सुंदर सुंदर स्वरूप में इनको बनाया गया है गणेश जी की प्रतिमा को। ये देखिए मैं दिखाता हुआ, बहुत ही बड़े आकार में इन मूर्तियों को बनाया जाता है, बड़ी छोटी और विशालकाय मूर्तियां भी बनाई जाती हैं। ये देखिए शंकर रूपी स्वरूप में गणेश जी को बनाया गया है यहाँ पर। इस मूर्ति को भी देखिए, गणेश जी की पेट बड़े होते हैं इसलिए इन्हें लंबोदर भी कहा जाता है। ये देखिए मैं दिखाता हुआ, मैं 3-4 मूर्ति बनाने वाले कलाकार का मूर्तियों को एक साथ दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए मूर्तिकार भी गणेश जी की प्रतिमा को बनाते हुए, ये मैं पूरा मूर्तियों को एक साथ दिखाता हुआ आपको, अलग अलग प्रकार की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। इस साल कुछ मूर्तियों का मूल्य कुछ ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि कोरोना काल के बाद इस त्यौहार को बढ़ चढ़कर भव्य रूप से मनाया जाएगा पूरे भारतवर्ष में। ये देखिए छोटी मूर्तियां भी बनाई गई हैं यहाँ पर, ये देखिए मूर्तियां बन करके तैयार हो रही हैं। और इसमें अभी मूर्तिकारों द्वारा कुछ काम बचा हुआ है, उस काम को पूरा किया जा रहा है।
ये दिखाता हुआ मैं गणेश के स्वरूप को। ये देखिए बहुत ही सुंदर मूर्ति बनी हुई है यहाँ पर। ये देखिए मूर्तिकार कुछ कार्य करता हुआ मूर्ति पर। ये देखिए मैं दिखाता हुआ गणेश जी की प्रतिमाओं को। लगभग इस पंडाल में 150 से 200 के आसपास मूर्तियां बनाई गई हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं। ये देखिए यहाँ पर विशालकाय मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर भी फिनिशिंग का कार्य चल रहा है। इन मूर्तियों को दिखाता हुआ मैं। बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, लगभग 20 फीट 22 फीट 25 फीट। इनको ले जाने के लिए क्रेन का उपयोग किया जाता है। ये देखिए बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई गई है इनके यहाँ। और पूरी मूर्तियां अभी से एडवांस बुकिंग हो गई हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से इन मूर्तियों को बना रहे हैं हमारे यहाँ के कलाकार। कलकत्ता के कलाकार आकर के यहाँ मूर्तियों को बना रहे हैं। कुछ लोकल मूर्तिकार भी है यहाँ के। सभी के मेल जोल से इन मूर्तियों को बनाया जा रहा है। बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ इनके यहाँ बनी हुई हैं। ये देखिए गणेश जी को सजाता हुआ मूर्तिकार। बस कुछ दिन पश्चात ही गणेश जी का पर्व आने वाला है। पूरे भारतवर्ष में इस पर्व को मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा इस पर्व को महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अगर आप नए हैं तो सर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका फ्रेंड इंडियन IMP लव बट।